में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोप में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। इस मुकदमे में 12 जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले अदालत ने 15 मार्च को ही लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और अन्य आरोपियों को नियमित जमानत दी थी। 2007-08 के मामले में सीबीआई ने इससे पहले अक्टूबर में दायर आरोप पत्र में लालू यादव और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत आरोप लगाए थे। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने दर्जन भर लोगों से जमीन लेकर उन्हें गैरकानूनी तरीके से रेलवे में नौकरी दी थी। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आज कानून मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की बैठक हुई। बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कानूनी मामलों के विभाग, विधायी विभाग और भारत के विधि आयोग के प्रतिनिधि शामिल हुए। कांग्रेस और डीएमके समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लाने के फैसले को लेकर सवाल उठाया, जबकि शिवसेना और बीएसपी के सांसदों ने यूसीसी पर सहमति दिखाई है। इस विषय पर अब विधि आयोग कानून मंत्रालय को 4-5 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर कानून मंत्रालय विधेयक तैयार कर सकता है। इससे पहले 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर 14 जून से 13 जुलाई तक लोगों से सुझाव मांगे थे, जिसमें अब तक 19 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों की अगली बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि पटना में 23 जून को हुई सफल बैठक के बाद अगली बैठक भी कामयाब होने वाली है। इससे पहले विपक्षी दलों की बैठक 13-14 जुलाई को होने वाली थी। महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर टूट की घटना के बाद विपक्षी दलों की बैठक टलने की आशंका जताई जा रही थी। दिल्ली के प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव और 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले हुई ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने 28 जून को अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की थी। दिल्ली से राजस्थान और हरियाणा के आवागमन को सुगम बनाने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के मामले में आम आदमी पार्टी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। केजरीवाल सरकार ने आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए पैसे की कमी का हवाला देकर फंड देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने केजरीवाल सरकार को कहा कि अदालत में हलफनामा देकर पिछले साल विज्ञापन पर हुए खर्च का ब्यौरा जमा किया जाए। दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया को हवाला कांड में भी दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने सिसोदिया पर लगे आरोपों को बेहद गंभीर माना और आशंका जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। हाई कोर्ट ने इसी केस में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार निदेशक विजय नायर, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, शराब कंपनी के प्रबंधक बिनॉय बाबू की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। इससे पहले सीबीआई के मामले में भी सिसोदिया की जमानत अर्जी 30 मई को खारिज हो चुकी थी। सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए विशेष पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए राजनीतिक दल अब अपना सालाना वित्तीय हिसाब किताब निर्वाचन आयोग तक ऑनलाइन भेज सकेंगे। इस पोर्टल के जरिए राजनीतिक दल सहयोग राशि से हुई आमदनी, सालाना ऑडिट की रिपोर्ट और खर्चे का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए चुनाव आयोग को साझा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अलकायदा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े सद्दाम शेख और रिजवान नाम के दो संदिग्धों को पकड़ा है। आरोप है कि प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा सद्दाम शेख सोशल मीडिया के जरिए जिहाद में शामिल होने और आतंकवादी ट्रेनिंग लेने के लिए भड़काऊ पोस्ट करता था। जम्मू कश्मीर का रहने वाला दूसरा संदिग्ध रिजवान आतंकवादी जाकिर मूसा के संगठन अंसार गजवातुल हिंद की शपथ लेकर उसकी तंजीम में शामिल हो चुका था।